नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है। सो ऑर्गन डोनेशन दो प्रकार का होता है, एक लाइव डोनर ऑर्गन डोनेशन और एक डेड डोनर ऑर्गन डोनेशन। लाइव डोनर ऑर्गन डोनेशन जो है उसमें जो एक एंड स्टेज डिजीज़ का पेशेंट है, जिसको कोई भी डिजीज़ है, जैसे लिवर की डिजीज़ है, लंग की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, जो कि अब मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं ठीक हो पा रही, उसको जो ऑर्गन दिया जाता है वो उसके किसी बहुत क्लोज रिलेटिव या जानकार का दिया जाता है। ये जो ऑर्गन डोनेशन है, ये ऑर्गन डोनेशन एक्ट इंडिया में बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली कराई जाती है। सो लाइव डोनेशन में लिवर का इस्तेमाल किया जाता है, किडनी का इस्तेमाल किया जाता है, लंग के कुछ भाग का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑर्गन लाइव डोनर नहीं दे सकता वो होते हैं हार्ट और आईज, ये लाइव डोनेशन में नहीं आते। तो ये हो गया लाइव डोनर ऑर्गन डोनेशन। दूसरी टाइप की ऑर्गन डोनेशन जो होती है वो होती है डेड डोनर ऑर्गन डोनेशन। इंडिया में जो अलाउड है उसको हम कहते हैं ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी कारण अगर किसी पेशेंट को, किसी इंसान को काफ़ी चोट लगी हो जिसमें उसका ब्रेन डेड हो गया हो पर उसका हार्ट अभी भी चल रहा हो, ऐसी फैमिली कई बार कंसेंट करती है ऑर्गन डोनेशन के लिए, और उनसे जो ऑर्गन लिए जाते हैं उसको कहते हैं डेड ऑर्गन डोनेशन। इसमें हम आईज ले सकते हैं, लंग्स ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, किडनीज ले सकते हैं, बोन्स ले सकते हैं, जॉइंट्स ले सकते हैं, वेल्व्स ले सकते हैं, कई तरह के ऑर्गन डोनेशन लिए जा सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको ऑर्गन्स की ज़रूरत है, जिनको एंड स्टेज डिजीज में पहुंच गए हैं और अब बिना ट्रांसप्लांट के उनका कुछ काम नहीं चल सकता। सो ये इसको महादान कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें आप एक जीवन का दान अपने उस पेशेंट को दे रहे हैं जो अब जिसका जीवन अगर ये ऑर्गन डोनेशन नहीं होता या ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता तो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गन डोनेशन। धन्यवाद।